साबरमती नदी के किनारे बसा लगभग 63 लाख जनसंख्या वाला अहमदाबाद गुजरात का सबसे बड़ा शहर है। अहमदाबाद ने 316 कम्युनिटी टॉयलेट्स और पब्लिक टॉयलेट्स को अपग्रेड किया। अहमदाबाद शहर में कई बड़े परिवर्तन आए हैं, जिसमें सबसे बड़ा परिवर्तन है कि जो पहले वेस्ट था उसको लोग अपने घर से ले जाके आसपास में डंप कर देते थे, परंतु जब से नागरिकों ने वेस्ट सेग्रीगेशन का जो मंत्र है उसको समझा है और स्वीकारा है, उसके बाद से परिस्थिति अहमदाबाद शहर में पूरी तरह से बदली है। पहले यहाँ वहाँ हम कचरा दूर दूर तक के डालने जाते थे और हमारी कॉलोनी में बहुत गंदगी रहती थी। अब कॉरपोरेशन की गाड़ियाँ आने लगी है, जब से हम सूखा कचरा और गीला कचरा अलग रखते हैं और गाड़ियाँ आती है उसमें डालकर, हमारी कॉलोनी भी अब साफ सुथरी रहती है। अहमदाबाद नगर निगम डोर टू डोर कलेक्शन के माध्यम से प्रतिदिन 1300 मेट्रिक टन कचरे को एकत्रित कर रिफ्यूज ट्रांसफर स्टेशन के रास्ते प्रोसेसिंग सेंटर में भेजता है। दिन में दो बार सफाई कर्मचारी और मैकेनाइज्ड स्वीपिंग मशीन की मदद से शहर के चौराहों और रोड की सफाई की जाती है। शहर के मलबे को कंस्ट्रक्शन और डेमोलिशन वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट में लाया जाता है और प्रोसेस करके ब्रिक्स का निर्माण किया जाता है। घर घर से इकट्ठे किए कचरे को प्रोसेस करके उसका कंपोस्ट बनाया जाता है। एकत्रित किए गए कचरे को अलग अलग करने के बाद सूखे कचरे को मटेरियल रिकवरी फैसिलिटी में भेजा जाता है। अहमदाबाद शहर का सेग्रीगेटेड ड्राई वेस्ट इस फैसिलिटी में लाया जाता है और उसे प्रोसेस किया जाता है। इस कूड़े में से दो बाय प्रोडक्ट कंपोस्ट और आरडीएफ प्रोडक्ट बनाए जाते हैं। इस प्रोसेस से अब 1% कूड़ा भी नहीं बचता। साथ ही अहमदाबाद नगर निगम ने सभी बड़ी हाउसिंग सोसाइटीज में ऑन साइट कंपोस्टिंग यूनिट लगाई, जिससे वहां के निवासी अपने गीले कचरे को जैविक खाद में बदल रहे हैं। इस खाद का इस्तेमाल सोसाइटी अपने गार्डन में करती है। एक दिन अहमदाबाद शहर में से दो युवा मुझसे मिलने आए और उनका प्रस्ताव था कि जो मंदिरों में जो फूल चढ़ाए जाते हैं और जो फ्लावर से वेस्ट है उसको ये लोग प्रोसेस करके और उसमें से अगरबत्ती और अन्य वस्तुएं बना के, और उनका विचार था। हमने तुरंत उस ग्रुप को पूरा सपोर्ट किया। अहमदाबाद में कचरा प्रबंधन को सुनियोजित और सुदृढ़ करने के लिए कमांड एंड कंट्रोल रूम से ऑनलाइन मॉनिटरिंग की जाती है। यहां से पूरे शहर की सीसीटीवी कैमरा से निगरानी भी की जाती है। शहर की स्वच्छता निरंतर बनाए रखने के लिए अहमदाबाद नगर निगम ने अपने सफाई कर्मचारियों को समय समय पर आयोजित सफाई कार्यक्रमों में सम्मानित और प्रोत्साहित भी किया है। स्वच्छ भारत ही समर्थ भारत है, स्वस्थ भारत है और समृद्ध भारत है। इसी सत्य का उत्सव मना रही हैं अहमदाबाद शहर की उपलब्धियां।